गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका नाम राशन कार्ड के लिस्ट में आ चुका है, नंबर भी मिल गया है और उसके फैमिली मेंबर भी इस प्रकार से दिखा रहे हैं, है ना। और राशन कार्ड लेकिन उसका हार्ड कॉपी यानी प्रिंट होके नहीं आया हुआ है, कार्ड नहीं मिला है उसको, तो उनको ये वीडियो जरूर से जरूर देख लेने चाहिए। तो आज का टॉपिक है क्या, ये जो है कि राशन कार्ड डीलर से ले सकते हैं, इसे मिलेगा या नहीं। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, मैंने निकाल के ही रखा हुआ है कार्ड धारियों का लिस्ट जो इस माह अप्रैल 2021 में डीलर का नाम हमने हायर कर दिया है से राशन ले सकते हैं, है ना। साफ हिंदी में लिख रखा है, अपने मन से कुछ भी हम नहीं बोल रहे। तो चलिए, आपने लिस्ट में नंबर निकालने, राशन कार्ड का नंबर निकालने या फिर लिस्ट में नाम देखने का तो आप वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको निकालना, सिखाते हैं कैसे निकालेंगे कि आपका इस लिस्ट में अगर नाम है तो आप राशन कार्ड ले सकते हैं, साफ लिख रखा हुआ है, है ना। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में एक ब्राउजर कोई सा भी ओपन करना है, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा हुआ है। अब यहाँ आपको टाइप करना है ई राशन। जी हाँ, मैं झारखंड का राशन कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, यही राशन झारखंड। तो कुछ इस टाइप से खुलेगा, ये वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है, झारखंड गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम से कार्ड होल्डर्स, है ना। चलिए, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें पता करना है क्या हम राशन कार्ड ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि कार्ड तो मेरे पास नहीं है, मिला ही नहीं है। अब चलिए दिखा देते हैं, इसके लिए आप इस पेज पे आ चुके हैं फिलहाल, है ना। हो सकता है मोबाइल से पूरा ना खुल रहा हो, तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड मोड पे ले आना है। हर वीडियो में ये मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, प्लीज वीडियो को स्किप ना करें तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है, आपको इतना समय नहीं लगेगा, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड धारक पे आपको क्लिक करना है, या फिर डेस्कटॉप वर्जन पे आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक लेके जाना है माउस को, है ना। एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ, चलिए इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा करता हूँ, आपको दिखाना है। एक ऑप्शन खुलेगा, ये देखिए खुल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवें नंबर पे ये नया एक ऐड हुआ है, ये रहा पात्रता सूची मासिक, है ना, इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, हमने कर दिया है क्लिक, इंटरनेट यहाँ स्लो है इसलिए कुछ समय लग सकता है, है ना। अब यहाँ क्या करना है, चलिए हम इसको दिखा देते हैं ऊपर नीचे करके, थोड़ा सा दिखे, है ना, ये रहा। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हो वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक आपको जैसे सिलेक्ट आ जाता है ना, तब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सा ब्लॉक आपका है वो, ठीक है। उसके बाद डीलर का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन सा डीलर है, ये नहीं किए हैं इसीलिए हमने ये नहीं किया, यहाँ नहीं आ रहा ऑप्शन, है ना। तो डीलर कौन सा है, आपको यहाँ से डीलर का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कार्ड का प्रकार यानी कार्ड का टाइप जो है कि आपका कौन सा है, ग्रीन वाइट ए वाई पी एच, है ना, चलिए हम ग्रीन वाला देखेंगे, इसलिए ग्रीन हम सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ करंट मंथ जो चल रहा है पांचवा फिलहाल, तो इस महीने का नहीं दिखा रहा है इसीलिए हम यहाँ से महीना को चेंज करेंगे, उसके पहले वाला महीना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया अप्रैल, अभी मई है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये कैप्चा कोड जो भी आ रहा है आपको इसी को टाइप करने पड़ेंगे और इस फाइंड पे आपको क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी ही देर में आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है इस टाइप से। तो यहाँ से आप अपना ढूंढेंगे, कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसमें देखिए स्क्रॉल स्क्रॉल करके यहाँ से, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका राशन कार्ड का नंबर
आपके नाम होंगे, कार का टाइप होगा, कितने फैमिली हैं यहाँ।